Who owns EcoSport only knows कि ये क्या है। आपका एक मन एक टाइम पे आके मन रुक जाएगा, लेकिन इंजन नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ या फिर मुझे अब इससे ज्यादा नहीं खींचा जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, मेरा मन कर रहा है कि सिर्फ जो है इसको ड्राइव किया जाए। फिर ऐसी क्या आफत आ गई थी इनको यार जाने की यहाँ से? सर, अगर आपको आज भी फोर्ड इकोस्पोर्ट सेकेंड हैंड में ठीक ठाक प्राइस में मिल रही है तो ले लो आराम से, चुप करके आंख बंद करके ले लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। फ्रेम में जो आप देख रहे हैं वो है फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम सेकेंड टॉप वेरियंट डीजल में मैनुअल। ये गाड़ी जो है वो लोगों की एक तरह से हॉट फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी वर्ड में यूज करूँ कह सकते हैं, ठीक है आज भी लेकिन लोग इसको पसंद करते हैं, लोग सर रीसेल में मांग रहे हैं अभी। मैंने 2019 में ली थी जब BS6 आने वाला था उससे जस्ट पहले, तो ये BS4 वेरिएंट है। BS4 है। अच्छा, तो इसमें सबसे एडवांटेज मुझे रहा था कि मैं DPF इश्यूज में नहीं फंसा। तो मैंने सर दो या तीन कार देखी थी, एक मैंने सबसे पहले ब्रेजा मेरे घर में है ऑलरेडी, वो डीजल में थी तो वो देखा तो थोड़ा सा कजन का आया था कि कहीं कहीं पे अंडर पावर लगती है, 1200 cc इंजन उतना नहीं है। सेकंड मेरे को काफी अच्छी एक नेक्सन लगी थी, बट नेक्सन में सर क्या था कि फादर को थोड़ा सा टाटा पे जाने में उस टाइम पे डर लग रहा था थी कि थोड़ा सा। फिर मेरे को महिंद्रा 300 देखनी थी, XUV 300, उसमें पावर काफी अच्छी थी, डीजल में बहुत अच्छी है, उसमें सर बूट स्पेस कम हो रहा था। हाँ, फिर सर बाय चांस हम लोग ये देखने गए, मेरा ऐसा कोई पहले नहीं था कि फोर्ड रखनी है, फोर्ड वीगो हमारे घर में थी बट फोर्ड इकोस्पोर्ट मैंने सोचा नहीं था, मतलब चला के देखी पहले तो मेरे को अच्छा लगा, इनिशियल पिकअप अच्छा था, मतलब सब कुछ ओवरऑल सिटिंग अच्छी लगी, थोड़ा कमांडिंग पोजिशन पे आप बैठते हैं। फिर फादर को बहुत अच्छा लगा चलाने में, हाँ भाई फोर की फैमिली थी तो उस हिसाब से हमें बूट स्पेस काफी लगा सफिशिएंट था। उस टाइम पे डीजल ऑप्शन में इतने फीचर्स के साथ मुझे और कोई कार नहीं मिल रही थी, जो आप बात करें XUV 300 की वो इससे अपर प्राइस पे जा रही थी कम से कम 80-90,000 की, तो उस टाइम पे सर हमें ये बेस्ट ऑप्शन लगा तो मैंने ले ली। तो ऑन रोड कितने की पड़ी थी? 1050 की सर ऑन रोड पड़ी है। उसके बाद बस मैंने इसमें उनको मैट के 3500 रुपए दिए हैं कंपनी को, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उस टाइम पे आपको कहीं से भी कुछ आइडिया नहीं था फोर्ड के बारे में कि फोर्ड जाने वाली है? फोर्ड का तो 2021 में भी आइडिया नहीं था, आखिरी 3 दिन तक भी लोगों को आइडिया नहीं था। मैंने सर एक छोटा सा चैनल चला रखा है ड्राइवर सिद्धांत नाम से, तो मैं फोर्ड की ही वीडियोस बनाता था पहले, तो मेरे फोर्ड शोरूम पे कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने मेरे को बुलाया कि हमारी एक नई जो फीगो में कैटलिस्ट कन्वर्टर वाला अपना ऑटोमेटिक आया है आप उसका आके वीडियो बनाओ। हाँ। मैंने उनके शोरूम पे जाके वो वीडियो बनाया और उन्होंने मेरे को कहा कि सिद्धांत शायद इसका फेसलिफ्ट आ रहा है। अच्छा। तो ये मेरे को सेल्स पर्सन ने बताया आज, और नेक्स्ट डे मैं वीडियो अपलोड कर रहा था उनका शाम को न्यूज हमारा, क्योंकि फोर्ड का चैनल भी है ग्रुप है जिसपे हम लोग सब ओनर्स ज्वाइन करे हुए हैं, उसमें एकदम से आने लगा कि फोर्ड हैव क्विट, वो सेल्स नहीं कर रहा है यहाँ पे, बंद कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट वही सेल्स पर्सन को कॉल किया तो वो कह रहा सर एकदम से न्यूज आई है और दे आर लाइक फायरिंग पीपल। अच्छा, तो उसने कहा कि सर हम 6 लोग को छोड़ के एकदम शोरूम ने आधे घंटे में सबको फायर करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, जिसने अभी तक इकोस्पोर्ट नहीं चलाई। एक लाइन कहा जाता है कि हु ओन्स इकोस्पोर्ट ओनली नोज कि ये क्या है। हाँ। तो ये जब हाईवे पे चलती है आई कैन बेट, मैं तेज नहीं चलाने को कहूंगा लेकिन इसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है, जैसे हम कहते हैं VW पोलो में, तो उसका जैसे कहा जाता है कि रॉकेट इंजन है ना। हाँ। ये हाईवे पे वैसी परफॉर्म करने लग जाता है, बहुत ही एडुकेट इसका स्टेयरिंग है, जितना कट करना चाहेंगे उतनी कॉर्नर रिस्पॉन्सिव है, बहुत ज्यादा फीडबैक बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं सिद्धांत, गाड़ी में बैठते हैं और इसका ड्राइव एक्सपीरियंस करते हैं और उसमें अंदर ही बात करेंगे। ठीक है। 2019 नवंबर मॉडल है ये, आप अगर इसके इंटीरियर की बात करें तो अब उस टाइम पे भी ये सारे फीचर्स कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही थी, जो इनफैक्ट आज की गाड़ियों में भी आपको एक दो मिसिंग ही मिलेंगे, पेडल लैंप्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगे, ऑटो आपको ओवरवीएम्स मिल जाएंगे, ये मैनुअल आपको मिलेगा जबकि आता है एटलीस्ट मैनुअल में, और बाकी यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा AC। चलाते हुए क्या दिक्कत आती है, फुली टच स्क्रीन में इशू होता है कि कहाँ से वॉल्यूम अप डाउन होना, ये कंट्रोल्स बटन तो आपको टैक्टाइल बटन मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगा उस चीज में चलाते टाइम पे। इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको बटन मिल जाता है, बटन मिल रहा था, इसमें सारे कंट्रोल्स आप अपने स्टेयरिंग से कर सकते हैं। AC वेंट्स काफी इफेक्टिव है, आप देखेंगे इसमें पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है लेकिन ये बहुत जल्दी गाड़ी को ठंडा कर देते हैं। ग्लव बॉक्स का साइज काफी अच्छा है इसका, मतलब अगर ओपन करके देखेंगे ऊपर भी सामान रखने का, नीचे भी आप इसमें अच्छे से सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट है, ये काफी स्पेस है इसमें, अगर आप रखेंगे इसमें 1/2 लीटर की बोतल चली जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक पीछे भी है पैसेंजर्स के लिए, आप यहाँ पे बैठे बैठे पीछे चार्ज कर सकते हैं तो आपको वो वायर शेयरिंग का इशू नहीं होगा। ये आपका सामान वगैरह की वगैरह रखने की जगह है, तो सेंटर कंसोल में आपको ठीक ठाक स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट डोर्स में भी आपको जो है 1 लीटर की बोतल दो बोतल दोनों साइड रख सकते हैं। इवन सर अगर आप पीछे रखना चाहेंगे तो पीछे भी आएगी, बस पीछे आपको डोर ओपन करके रखना पड़ता है। 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स हैं। 3 साल हो चुके हैं इस कार को, इसमें रैटलिंग नॉइज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो ये जो कहते हैं कि फोर्ड की क्वालिटी है वो यहाँ पता लगेगी आपको।
हाईवे पे आप कितना अच्छा क्रूज करेंगे, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पीछे से कुछ आवाज आ रही है, साइड से कोई आवाज आ रही है, पिलर्स की कोई आवाज आ रही है। पिलर हालांकि इसका नेक्सॉन की तरह ही थोड़ा सा बल्की है, ब्रॉड है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड है, बट यहाँ पे ठीक है, शीशा दिया हुआ है सर। वो दोनों ही चीज एडवांटेज बढ़ जाती है, बॉडी का जो फ्रेम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है सारा, बेसिकली जो आपकी बॉडी का जो दारोमदार है वो इसी पिलर, ए पिलर पे ही आता है, आपको एडवांटेज देगा। तो जितना ए पिलर स्ट्रॉन्ग है वो कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी ही देगा, दूसरी चीज आपको उतना ही वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। डेफिनेटली इसका इंजन बहुत पंची है, जैसे हम थोड़ा सा भी जब इसको गियर में डाल के जब रेव करते हैं तो इंजन उतनी ही क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, और आपका आपका एक मन एक टाइम पे आके मन रुक जाएगा, लेकिन इंजन नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ या फिर मुझे अब इससे ज्यादा नहीं खींचा जा रहा, वो आपको परफॉर्मेंस और पावर देता जाएगा। 100 bhp की इसकी जो है इंजन आउटपुट है, और एक 215 nm का इसका टॉर्क मिलता है। इसके ABS बहुत बढ़िया काम करते हैं, जब आप इसको 100 पे भी 120 पे भी ब्रेक करते हैं तो ये बिल्कुल अपनी लेन में रुकती है, आपको ये नहीं लगेगा कि जरा भी हिलती है। तो इसके जो सस्पेंशन है वो जरूर थोड़े से स्टिफ है, लेकिन स्टिफ होने के साथ साथ वो आपको उतनी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं जब आप स्पीड पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं। जैसे सिद्धांत ने बताया, मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, मेरा मन कर रहा है कि सिर्फ जो है इसको ड्राइव किया जाए। सबसे बड़ी इसमें बात थी कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका ओके है, आप 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई किसी भी रास्ते से। एक हमने पहले स्कोडा रैपिड चलाई थी, उसका इंजन इतना पंची फील हुआ था, और आज ये इको स्पोर्ट हम चला रहे हैं उसका इंजन इतना पंची है कि मतलब आपका पैर खुद दब रहा है कि यार बस अब इसको और तेज। इको स्पोर्ट का अगर कोई माइलेज आपको बताएगा तो बहुत वेरी होता है, वेरी होता है, वही कहता है कि इसका 24-25 आता है। मैं अभी आया हूँ, मेरा 24 आया क्योंकि मैं दिल्ली में स्पीड लिमिट में चलाया है। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप इसको हाईवे पे निकलेंगे ना, आपको लगेगा मैं इसको थोड़ा सा और चला लूं, थोड़ा और तेज कर लूं, तो आपके एवरेज जो एवरेज 17-18 के आसपास आ जाएगी। मैं पेट्रोल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है, मतलब ये सारी कार्स जो इसके कॉम्पिटिशन में है उन सबसे अच्छा ऑटोमेटिक फोर्ड इको स्पोर्ट का पेट्रोल वर्जन वाला है। फिर ऐसी क्या आफत आ गई थी इनको यार जाने की यहाँ से? सर मेनली या तो फेसलिफ्ट थोड़ा लेट देते हैं फोर्ड वाले, एक्चुअली इनको उससे भी दिक्कत नहीं, जो गाड़ियां इनकी जो थी वो एक ये वाली बिक्री थी, फ्री स्टाइल बिक्री थी इनकी। सर एक इनकी एंडेवर, आप एंडेवर तो वो तो अलग ही चीज है, वो तो जिन्होंने लेनी, एक्चुअल कॉम्पिटिटर था वो एंडेवर ही था, और एंडेवर भी उससे फॉर्च्यूनर से ज्यादा बेटर, मुझे जहां तक मेरी अपनी चॉइस है। जैसे कोई कहेगा इसमें सनरूफ नहीं है तो मेरी रिक्वायरमेंट उस टाइम नहीं, वो एक नेगेटिव में नहीं जाता। सेकंड चीज कुछ कहते हैं कि हिल असिस्ट वगैरह, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, तो उस टाइम पे ये टाइम नहीं था कि वेंटिलेटेड सीट्स होती थी, तो मेरे को नेगेटिव ऐसा। हाँ, हिल असिस्ट की आप बात करते हैं तो वहाँ पर वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह हो गया, ये सारी चीजें जो है। सर इससे एक टॉप मॉडल में जा रहा था और उसमें मेरे को एक्स्ट्रा 80-90,000 देने पड़ रहे थे। अच्छा ठीक है, आता फिर भी था, कंपनी फिर भी प्रोवाइड कर रही थी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं पीछे की थर्ड रो वाली जो सीट है वो थोड़ी सी छोटी है इन कंपैरिजन टू नेक्सन एंड ब्रेजा, बट मेरे फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट हम लोग सब थोड़ा ऐसा कोई बहुत हैवी नहीं था, तो हमें वो भी अभी तक इशू नहीं आया। वैसे NVH लेवल कुछ ज्यादा नहीं है, NVH लेवल बिल्कुल ठीक है, आराम से आप कितनी भी 100 की स्पीड पे भी जब आप क्रूज करते हैं तो भी आपको अंदर कैबिन में साउंड जो है वो ना के बराबर है। तो ये टायर साउंड आ रही है, इसके अलावा आपको कोई साउंड एसेट्स नहीं मिल रही है। मैंने कार बुक करी थी और मैंने उन्हें एक डेट दी थी, मुझे इस दिन कार चाहिए, ठीक है। मैंने उन्हें फोन करके बोला कि सर कार मेरी रेडी है, उन्होंने मेरे को एक दिन पहले बता दिया था PDI करना चाहते हैं आप आ सकते हैं। हाँ। मैंने उन्हें मॉर्निंग में कहा कि मेरे को 7 o'clock डिलीवरी चाहिए मॉर्निंग में। आप यकीन मानेंगे 6:30 पे मेरी कार रेडी खड़ी थी वहाँ पे शोरूम। अच्छा। मैं गया हूँ, मैं 7:45 पे मैं वहाँ पहुंचा हूँ, फॉर्मेलिटी हुई जो होनी थी, एक दो जगह साइन होने थे मेरे, मैंने वो मना कर दिया था कि केक सेरेमनी टाइप का मैं नहीं कर पाऊंगा, जल्दी में हूँ थोड़ा सा, तो वो उन लोगों ने इतनी जल्दी फिर मेरे को नहीं बोला कि आप वेट करिए, और उन्होंने मेरे को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कार के बारे में जो बताते हैं, जो फाइनल उनका स्टेप होता है वो 15 minutes में करके मेरे को 7:15 तक मैं कार लेके बाहर निकल गया था। वो अच्छा, सिद्धांत का एक चैनल भी है जो सिद्धांत ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप तो आप सिद्धांत के चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और इनके भी वीडियोस देखिए। और ये आज भी सेकंड हैंड में इसका प्राइस अच्छा खासा जा रहा है। सर उसका एक रीजन है, जब इनिशियली एकदम से न्यूज आई थी कि फोर्ड बंद हो रही है, हाँ। तो इसका एकदम से प्राइस डाउन हुआ था। मतलब आप ये मानेंगे ऑब्वियसली किसी के साथ भी होगा, 2 months का ऐसा हुआ था कि 7-8 वाली बिकने वाली एकदम से 4-5 पे आ गई थी, क्योंकि कुछ लोग है जो एकदम से पैनिक हो जाते हैं, पैनिक कर जाते मेरे साथ के, और बेसिकली वो मार्केट स्ट्रेटजी भी होती है कि भाई वो इस टाइम पे, अब क्योंकि हर किसी को पता नहीं था कि फोर्ड कैसे बिहेव करेगी, बाद में सर्विस कैसे रहेगी, तो उसमें सर एडवांटेज क्या हुआ, जिन लोगों को फोर्ड लेनी थी उन लोगों ने उसका फायदा उठाया, वो लोगों ने कम प्राइस पे एकदम से फोर्ड परचेज कर ली, और उसी टाइम पे फोर्ड ने एक और कमिटमेंट दी थी कि हम अराउंड 10 years सर्विस यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे
एंड 5 to 7 ईयर्स का हमारा प्राइस हाइक नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट पे। तो ये हमें गारंटी हो गई थी कि साथ बोल रहे हैं एटलीस्ट 5 तो रहेगा ना। ऑलरेडी 3 साल पुरानी कार है, मैं इसको 15 साल कंटिन्यू करने का सोच रहा था क्योंकि मेरे को बस दिल्ली का डीजल इंजन वाला इशू है, लेकिन मैं अगर ना अपने होम टाउन पे चलाऊंगा तो मैं इसको 15 इयर्स रख सकते हैं आराम से। इस कार का सर कभी बिल्ड क्वालिटी का टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप इसके जो एक नॉर्मल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं आप देखते हैं कि कार पूरी रोल हो जाती है। एक एक्सीडेंट इसका काफी वायरल हुआ था जिसमें गाड़ी जो है वो 120 की स्पीड पे पूरी क्रॉस कर गई थी, जो फुटपाथ होती है क्रॉस कर गई थी, और दो रोल के बाद भी जब गिरी है गाड़ी तो उसके बाद बंदा जो है वो ड्राइविंग अपना गेट खोल के खड़ा था बाहर। सर एक छोटा सा इंसिडेंट है मेरे चैनल पे, उनकी जो इको स्पोर्ट है वो 3 पलटी खा के नीचे फील्ड्स में जाके गिरी है। अच्छा। उन्होंने वो पर्टिकुलर मेरे को फोटोज प्रोवाइड किए थे, उनको वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा था कि अगर आप इसकी जगह ब्रेजा या किसी कार में होते तो आपको शायद हमें निकालना पड़ता, नहीं बच और वो बंदे इतने हैप्पी हैं कि उनकी 3rd इको स्पोर्ट है। तो ये बैक कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं, गाइडेड आपको यहाँ पे लाइंस नहीं मिलेंगी, लेकिन बैक कैमरा की क्वालिटी ओके है। रात में कैसे रहता है इसका? सर रात में एग्जैक्ट सेम है क्योंकि पीछे यहाँ पे जो हमारी पीछे नंबर प्लेट पे जो लाइट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं। तो भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो हमने कर लिया है, और मेरा अगर फीडबैक आप जानिए तो ज़बरदस्त। अगर आपको आज भी फोर्ड इको स्पोर्ट सेकेंड हैंड में ठीक ठाक प्राइस में मिल रही है, थोड़ी सी आपको लग रहा है कि ओवर प्राइस भी है, तो ले लो आराम से, चुप करके आँख बंद करके ले लो। रेटिंग की बात करें तो क्या रेट करोगे अपनी गाड़ी को? यार इसको मुझे लगता है रेट करना ना इसकी शान के खिलाफ हो जाएगा। आप नेगेटिव कह सकते हैं कि थोड़ा सा और हेडलैम्प्स और अच्छे हो जाते हैं, बट हाँ हेडलैम्प्स के नाइट थ्रो आपका जो है वो कुछ सफिशिएंट है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा जैसे एकदम व्हाइट लाइट कर रहा है या वो नहीं है, बट मेरे को सफिशिएंट लगता है। हाईवे पे मेन होता है, हाईवे पे ठीक आता है, बट ऐसा नहीं है कि आगे वाले को ब्लाइंड करेगी, उतनी नहीं है। हाँ। रैटलिंग साउंड इसमें मुझे कोई सर, अभी तक तो नहीं आता है। अगर किसी के यहाँ पीछे कवर लगा है और वो थोड़ा सा टूट गया है वो मोस्टली डोर्स में भी रहता है, थोड़ा सा डोर्स में लोगों के रहता है, बट सर मेरी ऑलमोस्ट अभी इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, मैं भी बोलूंगा नहीं है। दूसरी चीज बोनट की जो थोड़ा जो आपका है ये आपको मुझे एंड में नहीं दिख रहा था, जबकि सिद्धांत का कहना है कि बोनट इसको आपको उनको पूरा एंड तक दिखता है। ठीक है, एक रेटिंग दे दो फिर भी यार, 10 में से क्या रेट करोगे? सर मैं वैसे देखिए 10 ही बोलूंगा। अच्छा, आप काटना चाहें छोटी मोटी चीज, मैं तो 9.5 कह सकता हूँ, बट ये जो डेंट आया है तो मैं इसकी पेंट क्वालिटी के लिए कहूंगा कि ये इसकी पेंट क्वालिटी है कि अच्छा खासा पत्थर आने पे गिरने पे ये इसमें डेंट आया। 3 साल की पुरानी कार देख रहे हैं आप, इसमें डेंट निकाल लीजिए, और मैंने कभी टचअप भी नहीं कराया कोई, तो ये इसीलिए जानी भी जाती है। लोग कहेंगे कि वो काटना नहीं चाहते, तुम जबरदस्ती कटवा रहे हो उनसे, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी बहुत पसंद आई है ये गाड़ी, और मैं देखिए हमने ये बात बोली कि अगर आपको सेकंड हैंड मिल रही है और आप लेना चाहते हैं तो आज भी ले सकते हैं। ले सकते हैं सेकंड हैंड जब भी लें, सिर्फ फोर्ड इको स्पोर्ट नहीं कोई भी कार। लोग गलती क्या करते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल, आप प्रॉपर इसको एक बार इंस्पेक्शन करा लीजिए, 1,000-1,500 रुपए जाते हैं। दूसरा आप इसकी जो है सर्विस रिकॉर्ड जरूर निकलवा लीजिए, चाहे वो किसी भी गाड़ी का हो, आप जाके आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाइए, आप उनका नंबर बताइए, सर्विस रिकॉर्ड्स आप निकलवाइए, सर्विस रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, लास्ट सर्विस मत चेक कीजिए, थ्रू आउट चेक कीजिए कि कितने इंटरवल में करवाई गई है, हो सके तो अपने कोई जो नॉन मैकेनिक है उनको लेके जाइए, गाड़ी को आप ड्राइव कीजिए, तसल्ली कीजिए, फिर सेकंड हैंड गाड़ी लीजिए, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी लीजिए। सर देखिए दिक्कत क्या आती है, जैसे इसमें हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस बोली है, मैं अगर उसको 12,000-13,000 पे करा रहा हूँ, वैसे कहेंगे 1,000 में कुछ नहीं बिगड़ता, डेफिनेटली नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर वो आपको कराना है टाइमली कराएंगे, टाइमली करा लो, आपकी कार में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कार के लिए होता है, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल, आप हमेशा जब आपका जो ऑयल फिल्टर है, जो आपके एयर फिल्टर है, या आपके जो इंजन ऑयल वगैरह है, वो टाइम पे चेंज होते रहेंगे, तो आपकी आप अपने इंजन की एज ही बढ़ा रहे हैं। अगर मुझे आपको ही कार लेनी है, क्योंकि मैं पहले सोचता था कभी इसको अपग्रेड करूंगा तो एंडेवर मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन हुआ करता था, अब मेरे को बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक तो प्राइस ऑटोमोबाइल्स का बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, सेकंड इसमें जो मैं फील कर चुका हूँ वो नेक्स्ट कार मेरे को शायद इनोवा टाइप की कोई करा पाएगी, वरना मुझे नहीं आपको वैसा फील आएगा नहीं इस सेगमेंट में, सब 4 मीटर में तो नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड ने एक इको सेगमेंट को इंट्रोड्यूस इंडिया में इसी ने किया। ठीक है, तो सिद्धांत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल और हमें ये गाड़ी एक्सपीरियंस कराने के लिए। मैं बहुत टाइम से ऑनेस्टली स्पीकिंग सोच रहा था कि एक इको स्पोर्ट को भी हम लोग अपने चैनल पे रिव्यू करें, तो ड्राइव भी सिद्धांत आप चैनल जरूर देखिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर प्लीज, मतलब जो करना चाहते हैं डेफिनेटली, अगर आप देखिए कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल। आप अगर अपनी गाड़ी का रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल आईडी पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।